रतलाम के झाबुआ रतलाम मार्ग पर कांग्रेस ने आज चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पदाधिकारी सहित सेवा दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरने पर मौजूद। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मौके पर सीएसपी एसडीएम भी पहुंचे। कांग्रेस ने भाजपा केंद्र सरकार पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है और किसान कानून जिसका लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे काले कानून को सरकार वापस लेकर लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, वहीं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन है आज आपका? आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष रजनी कमलनाथ जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में किसानों के जो 2 माह से दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हमारे किसान भाई अपने जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने वर्तमान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के समर्थन में और बढ़ती हुई महंगाई जिस प्रकार से जिस दर से बढ़ रही है उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा चक्का जाम किया गया है यहाँ पर। और हम लोगों की मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो राष्ट्रीय स्तर पर जो तीनों काले कानून कृषि संबंधी लागू किए गए उनको शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र सरकार वापस ले, किसानों को सम्मान वापस अपने जो उनके मुकदमे दर्ज किए वो वापस करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर चक्का जाम कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया।